मछलियाँ जो है इसके अंदर इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे सामने से यहाँ से गुजर गुजर के जा रही हैं, जो जहाँ से जो है कराची के लिए पानी जो है वो सप्लाई होता है नहर के जरिए। तो ये देखें आप इस तरीके से वहाँ से आता है पानी और यहाँ फेंकूँ। हाँ, ये लमडोर शिकार है। क्या है, कौन सा शिकार है? लमडोर, लमडोर इसको बोलते हैं, शिकार है। वो कैसे इसको चलाना है, क्या करना है? 1 2 3 हाथ में घुमाएं, 1 2 3 भाग जाऊं मैं? फिर आपने भागना पकड़ लिया। अच्छा, इसको फेंकना है? हाँ, इसको फेंक। चलो ठीक है भाई, 1 2 3 करने लगा हूं। ये 1, ये 2, ये 3। वेरी गुड सही भाई। आपने अपना नाम नहीं बताया यार। मेरा नाम है राणा आरिफ। राणा आरिफ, कहाँ के हैं आप राणा साहब? मैं लाहौर। राणा साहब लाहौर के हैं भाई, तो कभी लाहौर जाएं तो वहाँ पे प्रोटोकॉल मिल जाएगा? बिल्कुल, वहाँ भी मच्छी पकड़ने देंगे मेरे को? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है वो हब डैम कराची के ऊपर होने वाली है, क्योंकि हालिया दिनों में जितनी बारिश हुई है कराची के अंदर और अतराफ में जो बारिश हुई है गटाप वगैरह में, तो इससे जो है हब डैम जो है वो फुल हो चुका है बताया ये जा रहा है। तो चल के हम देखते हैं इस चीज़ को और कितना मज़ीद उसमें गुंजाइश है पानी की, ये भी चल के आपको दिखाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। दोनों तरफ रोड के माशाल्लाह खूबसूरती का तो क्या बोलेंगे, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। तो जब आप अप डैम जा रहे हैं तो ये नज़ारे भी आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे बहुत अच्छा। ये आप हरियाली चेक करें जब हम जा रहे हैं, माशाल्लाह। एक तो आज मौसम भी बहुत प्यारा हुआ है और उसके अलावा ये चारों तरफ आपको रोड के बीच में हरियाली हरियाली नज़र आएगी। आपको जो है ना पूरे गांव की फीलिंग आएगी, जैसे आप अपने गांव वगैरह में जाते हैं तो वहां पे जिस तरीके से आपको रास्ते वगैरह होते हैं, तो ये उसी तरीके की आपको थोड़ी सी यहां पे फीलिंग आपको मिलेगी। दोनों तरफ जो है वो घास वगैरह और दरख्त वगैरह और बीच में एक छोटी सी सड़क है, तो ये इसका भी एक अपना ही मज़ा है। ये भाई माशाल्लाह पहाड़ों पर जो हरियाली है, ये देखें इस तरफ देखें, ये पहाड़ों पे जो हरियाली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बारिशों के बाद जो है ना ये पूरा यहाँ का एक माहौल ही चेंज हो गया बिल्कुल ही। वैसे तो ये सूखे रहते होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन जो हालिया बारिश हुई है उसके बाद जो है थोड़े ये हरे भरे हो गए और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। माशाल्लाह आपका यहाँ आना ऐसे समझे आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, बस ऐसे समझें। थोड़े बहुत जो ये खूबसूरती के नज़ारे मिलेंगे तो एक आए पिकनिक पॉइंट है, पिकनिक मनाएं, थोड़ा रास्ते को भी एंजॉय करें आप। अच्छा जी, ये रास्ते में जो है वो कोई पुल भी टूटा हुआ है, ये रास्ते में ही पड़ रहा है हमारे को, तो अब जो है हमें ये थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। तो ये पूरा ये बारिशों की वजह से जो है पूरा रास्ता जो है वो ये देख सकते हैं आप कार, ये अब हमें यहाँ से इस तरीके से यूँ घूम के उस तरफ से यूँ जाना पड़ेगा और वो सामने से निकलना पड़ेगा। तो ये बारिशों ने जो है इस पुल को भी ख़राब कर दिए, तो अल्लाह करे बन जाए। जब भी आए तो अपना ख्याल कीजिएगा इस रास्ते की वजह से, तो अब ये पता नहीं कब बनेगा। जावेद भाई कितना टाइम लगेगा यार, काफ़ी देर हो गई, तकरीबन 1 घंटा हो गया हमारे को निकले हुए, लेकिन अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं। अभी तक तकरीबन आधा घंटा और मजीद लगेगा, कम से कम 1.5 घंटे का सफर है ये बाइक पे। अच्छा, 1.5 घंटे का सफर? 1.5 घंटे का सफर है। माशाल्लाह रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, बहुत व्यापी मंजर पेश कर रहे हैं। ये तो है यार, ऐसा कुछ नहीं है, मजा आ रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है और मौसम भी बहुत प्यारा बना हुआ है आज माशाल्लाह। चलें देखें अब पहुंचते हैं तो वहाँ मौसम तो प्यारा है, ये बात तो है, मौसम प्यारा बना हुआ है। अच्छा जी, डैम पर तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है आगे जाने को, तो इसलिए हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो बहरहाल हम जो भी है यहाँ से कवरेज आपको दे रहे हैं कि ये पानी जो है इस टाइम पे ये उछली सतह पर आ चुका है, इस वजह से जो है ये बंद किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बाद औकात ऐसा होता है कि अगर पानी ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो डैम को बंद कर देती ताकि कोई हादसाती तौर पर कोई ऐसा मामला ना पेश आ जाए जिसकी वजह से जो है जानी नुकसान हो।
तो इस वजह से जो है वो ये बंद किया हुआ है डैम के रास्ते वगैरह जो भी हैं, तो इसलिए हम आगे तो नहीं जा सकते। बहरहाल आए तो थे हम इसको कवर करने के लिए, तो इस वजह से ये गेट जो है वो फ़िलहाल बंद किया हुआ है। तो सेकंड ये मैं आपको बता दूं कि इस डैम के हवाले से कि ये जो डैम है इसका पानी तकरीबन आधा कराची जो है तकरीबन इसका पानी जो है वो पीता है, और ये डैम का जो आधा हिस्सा है वो बलोचिस्तान में आता है और आधा जो है वो सिंध में आता है, ऐसे समझे कराची में आता है। तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है और बाकी आधे कराची को जो पानी पूरा करता है वो करली झील, जो आपने सुनी होगी ठट्टा की साइड पे, वो जो है आधे कराची को पानी पूरा करता है। मछलियाँ जो है इसके अंदर इतनी हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं सामने से यहाँ से गुजर गुजर के जा रही हैं और ये एक और मच्छी, ये सामने रे यार, यानी कि यहाँ पे अगर मैं शिकार के लिए आता तो कम से कम ऐसे समझो अगर मैं कुंडा लेके आता तो कम से कम यहाँ से कोई 10-15 तो ऐसे ही पकड़ लेता। अभी हाथ से भी कोशिश करूँ तो मैं पकड़ लूँगा ये 2-3, ये सामने घूमू यार भाई मछलियाँ यार इधर इतनी है यार। ये टाइम डैम के पानी में हम खड़े हुए हैं क्योंकि भाई आगे तो जाने नहीं दे रहे, तो कम से कम आए हैं तो गीले होके तो जाएं, इसलिए भाई तो आगे जाते तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता, लेकिन आगे नहीं जाने दिया जा रहा। खैर हम यहीं पे अपनी इंजॉयमेंट पूरी करेंगे क्योंकि आए हैं तो भाई ना आके तो जाएं यहाँ से। बाकी खैर लोग आते हैं यहाँ पे मछलियाँ भी पकड़ते हैं शिकार भी करते हैं अपने हिसाब से, आगे इसलिए नहीं ज़्यादा जा सकते कि कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे कितना बड़ा खड्डा हो या कोई जानी नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए हम ये जो शुरुआती दौर है डैम का वहाँ पे हम जो है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? इमरान भाई, कोई मच्छी वच्छी लगी है आपको? 2 घंटे तो हो गए अभी, एक ही पकड़ा है। एक ही पकड़ी, दिखाओ तो सही कौन सी मच्छी पकड़ी है, हमारे को भी ज़रा दिखाओ यार। इमरान भाई बाहर निकालो ना जरा इसको यार, ये भाई इस भाई को 2 घंटे में ये मच्छी लगी है। यहाँ पे तकरीबन कोई 8-10 शिकारी बैठे हैं लेकिन इसी भाई को जो है अभी तक मच्छी लगी है। चलो भाई मुबारक हो, ये मच्छी भी लगी आपको। क्या बोलते हैं इस मच्छी को, कौन सी मच्छी है? काली बोर। क्या नाम है? काली बोर। काली बोर, काली बोर। अच्छी मच्छी होती है? कांटे बहुत होते हैं। चलो भाई रख लो फिर, दिखाऊं? अच्छा इमरान भाई डेली आते हो ये? अच्छा शौकिया तौर पे आते हो? जैसे शौकिया तौर पे आते हैं यहाँ पे, फिर क्या घर के लिए ले जाते हो, पकाते हो? आज छुट्टी थी क्या? कि वैसे क्या काम करते हो? वैसे तो दुकान है। अच्छा टीवी वगैरह सही है, तो कभी ले आऊँ टीवी आपके पास? ले आओ, कोई मसला नहीं यार, एक टीवी है ख़राब हुआ है, मैं ले आऊँ, कोई मसला तो नहीं ना? चलो ठीक है भाई, ये मेरे को यहाँ पे मैकेनिक भी मिल गया, ये अच्छा हो गया, मेरे यहाँ पे 2 काम हो गए। चलो ठीक है इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई आप भी मच्छी पकड़ने आए हो? कोई लगी मच्छी अच्छी लगी कोई? कूलर में आजा, वही जो इन्हीं के साथ ही हो आप भी। ये देते क्या हो मच्छियों को, क्या कैसे फंस जाती है मच्छी? आटा ले, आटा, कीड़े, केंचुए, झींगे। आटा? आटा हो गया, कीड़े हो गए, झींगे हो गए। झींगे भी इनको दे दो फिर ये आ जाती है मच्छियाँ। ये एक बात तो मेरे को बताओ, इधर अपना नाम बताओ आप। नासिर भाई मुझे एक बात बताओ, ये मच्छी का दिमाग होता है? बिल्कुल होता है। तो ये जाल में कैसे फंस जाती है फिर? ये फंसती है तो उनको भूख लगा हुआ तो वो नहीं आएंगे। अच्छा जब जाता है रोजी के लिए कहीं जाएंगे। हाँ ये देखो ना, ये भाई ने भी सही बात की है, जैसे इंसान फंस जाता है, जैसे मच्छी फंस जाती है ऐसे बच्ची फंस जाती है, और जैसे इंसान फंस जाता है ऐसे ही इंसान भी कहीं कहीं फंस जाता है, तो इसीलिए वो भूख के लिए ना इंसान, तो मच्छी भी जो है वो अगर ढूंढने के लिए जाती है बेचारी, फंस जाती है, जाल में आ जाती है, कांटे में आ जाती है, कहीं भी आ जाती है, कहीं भी आ जाती है। बहरहाल फिलहाल डैम वालों को बोलो दाना डाले इसमें छोटा, ताकि मछली बड़ा हो। मछली नहीं है डैम में। नहीं बात सुनो भाई मेरी, इधर मैं डैम वालों से अपील करता हूँ भाई, इनके भी थोड़ा ख्याल करें, इसमें कोई दाना ला के अपने पैसों का डालें, ताकि जो है यहाँ पे इनको भी थोड़ी सहूलत हो।
मछलियाँ बड़ी हो जाए, बड़ी हो, कोई जाल मार के खुद ले जाए। नहीं, अगर हम खुद यहाँ पे कोई चीज फेंक दें, कोई दाना वाना, फिर बड़ी हो जाएंगी, यहाँ खिलाएं पिलाएं, ये तो खा के निकल जाएंगी आगे यार। बीच बीच मछली का बीच छोटा जाल, इतना बड़ा डैम है, ये कैसे पूरी होंगी भाई? वो लाखों के हिसाब से डलता है, एक दो थोड़ी। हाँ अच्छा, ये लाखों के हिसाब से डलता है भाई, ठीक हो। अच्छा भाई, ये भाई ने मुझे डोर दी है अभी के, आप थोड़ी अपनी किस्मत आजमाएं, क्योंकि इनको तो दो दो घंटे हो गए, इनका जो है अभी तक कोई मच्छी अच्छी एक ही मच्छी लगी है। तो मैंने कहा है कि मैं अपनी किस्मत आजमाता हूँ, देखता हूँ कि फेंकूं। ये लमडोर शिकार है। क्या है, कौन सा शिकार है? लमडोर, लमडोर इसको बोलते हैं, शिकार है वो। कैसे इसको चलाना है, क्या करना है? 1 2 3 हाथ में घुमाएं, 1 2 3 भाग जाऊं मैं? फिर आपने भागना पकड़ लिया। अच्छा, इसको फेंकना है? इसको फेंक। चलो ठीक है भाई, 1 2 3 करने लगा हूँ। ये 1, ये 2, ये 3। वेरी गुड, सही फेंकी है भाई, VIP सही पे भाई, सही बोल रहा हूँ। फिर मैं आ जाऊँ कल से शिकार पे? कल सही है भाई, कल से मैं इधर ही आ रहा हूँ शिकार पे। डोर फेंकना आ गई, और क्या चाहिए, यही होता है मेन मेन भाई, मेन काम सीख गया हूँ, बाकी फिर अल्लाह मालिक है भाई। आपने अपना नाम नहीं बताया यार। नाम है राणा आरिफ। राणा आरिफ, कहाँ के हैं आप राणा साहब? मैं लाहौर। राणा साहब लाहौर के हैं भाई, तो कभी लाहौर जाएं तो वहाँ पे प्रोटोकॉल मिल जाएगा? बिल्कुल है, वहाँ भी मच्छी पकड़ने देंगे मेरे को? वहाँ नहरें हैं, डैम वगैरह। अच्छा, नहरें हैं वहाँ पे, सही है भाई। वहाँ भी ये कह रहे हैं राणा साहब कि आप जाएं, आपको फुल प्रोटोकॉल मिलेगा। बहुत बहुत राणा साहब शुक्रिया आपका, आपने हमारे को यहाँ पे डोर फेंकने दी, और आज पहली दफ़ा मैंने डोर फेंकी है भाई, ये राणा साहब ने फेंकवाई है मुझसे डोर, शुक्रिया। अच्छा जी दोस्तों, तो ये वो पॉइंट है जो पानी जो है, ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये जो है पूरा डैम का हिस्सा है जहाँ पे हम पहले खड़े हुए थे। तो ये वो पॉइंट है जो जहाँ से जो है कराची के लिए पानी जो है वो सप्लाई होता है नहर के ज़रिए। तो ये देखें आप, इस तरीके से वहाँ से आता है पानी, और यहाँ से जो है इस तरीके से जो है नहर की शक्ल में ये फिर पूरे कराची को जो है वो सप्लाई किया जाता है। ये आप देखें नीचे नहर जो है नज़र आ रही होगी, ये काफ़ी जो है बड़ी नहर है, ऐसे तो आपको इसमें सही नज़र नहीं आ रही होगी भारत, क्योंकि काफ़ी चौड़ी नहर है। तो इसके ज़रिए जो है ये पानी फिर आगे मुख्तलिफ जो है वाटर बोर्ड के पास जाता है, वहाँ से जो है पूरे कराची को फिर ये सप्लाई किया जाता है ये पानी। तो आज की वीडियो का जो है वो यहीं पर इख्तिताम करते हैं हम, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।